नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ भूमि। रामनगर में स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के बाहर मुख्य गेट के बाहर सालों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए आज मंडी समिति और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मंडी समिति के बाहर बसे ये लोग सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे थे और इन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पहले भी नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज तक ये अतिक्रमण पहले की तरह स्थापित है। बता दें, अब इस अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन ने फिर से अतिक्रमित जगहों के बाहर नोटिस चस्पा करने के साथ ही मुनादी के जरिए सभी से अतिक्रमण हटाने की अपील की। वहीं ये बात भी सामने आई है कि पहले अतिक्रमण हटाने गई टीम को भारी विरोध के बाद बेरंग लौटना पड़ा था और रविवार को एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी का कहना है कि प्रशासन अतिक्रमणकारियों को बरसात के बाद हटाने की कार्रवाई करे। यहाँ रहने वाले लोग गरीब हैं और मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार पालते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इन्हें हटाने से पहले इन लोगों के विस्थापन की भी व्यवस्था करें। जी, मंडी समिति के बाहर लोगों को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये प्रकरण नया नहीं है, बहुत पुराना प्रकरण है। मैं जब ब्लॉक प्रमुख था तब भी इन लोगों को नोटिस मिले थे, लेकिन वार्ता करके इन लोगों को समय मिल गया था और आज पुनः फिर से जो है सरकार के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप अतिशीघ्र जो है इस जगह को खाली कर दें। और उसकी प्रक्रिया भी कल मुनादी के से शुरू करके नोटिस देकर शुरू भी कर दी थी। हमारी मांग है कि प्रशासन इनको बरसात, जब तक बरसात है तब तक इनको यहाँ से ना हटाया जाए, और बरसात के तुरंत बाद ये लोग भी तैयार हैं हटने के लिए। इन्होंने कह दिया कि हमें बरसात तक का समय दे दिया जाए, हमें किराए में रहने के लिए हमारी व्यवस्था कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे हमें छत मिल सके, उसकी व्यवस्था दी जाए। उसके लिए समय की हमने मांग की है और कल हम 11 बजे SDM साहब से सारे लोग मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें महीना 2 महीने का समय इन लोगों को अपनी व्यवस्था करने के लिए दिया जाए और उसके बाद जो पट्टे की प्रक्रिया है इनको जो है कहीं विस्थापित किया जाए और इनको पट्टे की प्रक्रिया कर इनको आवाज़ दी जाए। ये रिपोर्ट तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।